Hello students, a warm welcome in my YouTube channel. In this video, we will learn about classification of bacteria. Hum classification ko based on their shapes and arrangement, we will classify bacteria into four categories. One is cocci. Cocci means spherical shape, coccus shape. Coccus ka matlab hai gol shape mein honge, circular shape. That is cocci. Bacilli ka matlab hai rod shape. Next is budding and appendaged bacteria. Budding का मतलब क्या है कि कोई भी बड का फॉर्मेशन होगा. बड का मतलब क्या है कि कोई भी जैसे टहनी सी निकलेगी, फिर जब हम उससे क्या होगा और बैक्टीरिया का फॉर्मेशन या फिर न्यू ग्रोथ होगी. दैट इज बडिंग एंड अपेंडेज बैक्टीरिया. एंड अदर्स के अंदर डिफरेंट अदर टाइप्स वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कोकाई बैक्टीरिया. कोकाई में आते हैं हमारे कोकस. कोकस का मतलब है स्फेरिकल शेप. डिप्लो कोकाई. डिप्लो का मतलब होते हैं दो, कोकाई मतलब स्फेरिकल. तो जब दो बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप में होंगे, दैट इज डिप्लो कोकाई. नेक्स्ट इज डिप्लो कोकाई इनकैप्सुलेटेड न्यूमोकोकस. डिप्लो मीन्स दो, कोकाई मतलब दो स्पाइरल शेप की होंगी. इनकैप्सुलेटेड कि ये कैप्सूल के अंदर, लेयर के अंदर होंगी. एग्जाम्पल है न्यूमोकोकस. न्यूमोकोकस क्या है, निमोनिया कोज करेगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कोज करेगा. कोकस मतलब स्पाइरल शेप में है. तो हम देख सकते हैं कि कोकाई शेप में, दैट इज स्पाइरल शेप, कैप्सुलेटेड है, दैट मीन्स इनसाइड द लेयर, दैट इज डिप्लो कोकाई इनकैप्सुलेटेड न्यूमोकोकस. नेक्स्ट इज स्टेफाइलो कोकाई. स्टेफाइलो का मतलब क्या है, पहले हम बात करेंगे स्टेफाइलो. स्टेफाइलो का मतलब है कि इन अ बंच, कि गुच्छे के अंदर होंगे, जैसे अंगूर का गुच्छा है वैसे होंगे वो. तो स्टेफाइलो कोकाई की जो बैक्टीरिया होंगे वो स्पाइरल, वो स्फेरिकल शेप के होंगे बट इन अ बंच होंगे, दैट इज स्टेफाइलो कोकाई. स्टेप्टो कोकाई. स्टेप्टो का मतलब है चेन के अंदर होंगे. तो स्टेप्टो कोकाई स्पाइरल शेप के, जो स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया होंगे वो होंगे हमारी एक चेन के अंदर, दैट इज स्टेप्टो कोकाई. नेक्स्ट इज सार्सिना. सार्सिना में क्या है, जो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स के अंदर होंगे, लाइक एब्डोमिनल कैविटी इसके अंदर होंगे, दैट इज सार्सिना. टेट्राड का मतलब क्या होता है, फोर. और हम बात करें कोकाई के अंदर, तो टेट्राड कोकाई जिसके अंदर जो स्फेरिकल शेप में चार बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, दैट इज टेट्राड. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट बैक्टीरिया दैट आर बेसिलाई. एग्जाम्पल इज कोको बेसिलाई. बेसिलाई का मतलब होता है रोड शेप, ठीक है. तो कोको बेसिलाई मतलब बेसिलस भी होंगे, कुछ तो वो स्फेरिकल शेप में होंगे और कुछ रोड शेप में होंगे, दैट इज कोको बेसिलाई. बेसिलस मतलब रोड शेप के अंदर होंगे. डिप्लो बेसिलाई दो, डिप्लो मतलब दो, बेसिलाई मतलब दो रोड की शेप में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा. स्टेप्टो बेसिलाई. स्टेप्टो का मतलब हमने क्या पढ़ा था, चेन की फॉर्म के अंदर होगा. बेसिलाई मतलब शेप होगी उनकी, रोड शेप होगी. नेक्स्ट इज पैलिसेड. पैलिसेड के अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया होंगे ना वो हमारे पैलिसेड से, एक तो बेसिलाई है, ठीक है. बेसिलाई का मतलब क्या होगा, रोड शेप के अंदर होंगे, लेकिन ये पैरेलल टू ईच अदर स्टैंड अप होंगे, दैट इज पैलिसेड. नेक्स्ट टाइप इज बडिंग और अपेंडेज्ड. बडिंग के अंदर आता है हमारा हाइफा और द स्टाक. हाइफा के अंदर क्या होता है कि जो ब्रांच निकली होती है ना, कि जो ये फिलामेंट होता है या फिर जो ब्रांच निकली होती है बैक्टीरिया की, वो क्या करेगी, अदर बैक्टीरियल ग्रोथ को जन्म देगी, दैट इज हाइफा. स्टाक के अंदर, जैसे अपने प्लांट के अंदर होता है जो टहनी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाल्क. तो ऐसे ही क्या होगा, जो बैक्टीरियल की ग्रोथ होगी वो हमारे किससे होगी, जो ये स्टाक है इससे क्या होगा, बैक्टीरिया हमें इन्वेड करेगा, दैट इज स्टाक. नेक्स्ट अदर्स के अंदर इनलार्ज्ड रोड शेप फ्यूजो बैक्टीरिया. तो जो वैसे तो रोड शेप होंगे, रोड शेप का मतलब क्या, इलोंगेटेड शेप के होंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या होंगे, फ्यूजी फॉर्म के अंदर होंगे. जो टिप्स हैं इसके, ये हमारे फ्यूज होंगे. नेक्स्ट इज विब्रियो. विब्रियो होता है कोमा शेप. हेलिकल फॉर्मिंग बैक्टीरिया, हेलिकल का फॉर्म करने वाले बैक्टीरिया, एग्जाम्पल एच पाइलोरी. फिलामेंटस बैक्टीरिया, फिलामेंट की फॉर्म के अंदर होंगे. एंड स्पाइरोचीटे और स्पाइरल फॉर्म, दैट इज स्पाइरोचीटे. सो दीज आर बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप्स एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया टाइप्स. नाउ वी विल डिस्कस बैक्टीरिया सम बेस्ड ऑन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस, न्यूमोकोकस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, क्लोस्टीरियम टेटनाई, बेसिलस एंथ्रेसिस, लैक्टोबेसिलस एंड
Clostridium diphtheria. These are example of gram-positive bacteria. And gram-negative bacteria include Neisseria gonorrhea, Neisseria meningitis, Pseudomonas, Vibrio cholerae, Salmonella, E. coli, Shigella and Brucella. So these are example of some gram-negative bacteria. So this video was related with the classification of bacteria based on their shape and example of gram-positive and gram-negative bacteria. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more videos. Stay safe, stay healthy. Thank you.